फर्टिलाइज़र देने से पहले ये प्लांट यहाँ तक ही था, इसकी ग्रोथ, ये जो नई ग्रोथ हुई है ये फर्टिलाइज़र देने के बाद हुई है। हमारा ये जो बनाना पील फर्टिलाइज़र है, आज हम इसे यूज़ करने वाले हैं मनी प्लांट में। बॉटल को अच्छे से शेक कर लें। दोस्तों, इसकी जो डोसेज है ये लगभग 20 ml एक लीटर पानी के अंदर मिक्स करेंगे और इसे डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करेंगे। ये हमारे मनी प्लांट के पॉट्स हैं। इस प्लांट को हमने टू पॉट मेथड से उगाया है। इससे भी जो मनी प्लांट की लीव्स हैं वे बड़ी होती हैं, उन्हें ज़्यादा फीडिंग मिलती है। तो अब हम इसके अंदर हमारा बनाना पील प्लस फर्टिलाइज़र यूज़ करने वाले हैं और देखते हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो दोस्तों, ये रहा रिज़ल्ट हमारे बनाना पील प्लस फर्टिलाइज़र का। बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है। बड़े बड़े लीव्स जो पहले से बड़े थे और भी बड़े हो गए हैं। साथ ही साथ इसके अंदर रेमिफिकेशन भी स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक नई ब्रांच का डेवलपमेंट हो रहा है। तो बहुत जल्दी हमें नई नई ब्रांचेस भी इसके अंदर मिलने वाली है। काफ़ी ग्रीन इसकी लीव्स है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है इसकी लीव्स। कलर तो बहुत ही शानदार आया है इस बनाना पील प्लस फर्टिलाइज़र से, और साथ ही साथ नई ग्रोथ भी हमें मिली है। दोस्तों, ये जो बनाना पील प्लस फर्टिलाइज़र है, इसका जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है वह इसकी लेंथ पे हुआ है। इसकी लेंथ बहुत तेज़ी से बढ़ी है। पहले ये यहाँ तक ही थी जैसा कि हमने आपको बताया, अब इसकी जो लेंथ है बहुत तेज़ी से शूट कर रही है। देखिएगा, लगभग 8 से 9 फीट इसकी ग्रोथ हुई है। देखिएगा, ये ब्रांच अभी अभी शूट हुई है लगभग 15 दिनों में, और बहुत ही लंबी ब्रांच है ये। ये मेन ब्रांच से अलग होके शूट करके बाहर निकली है। एक क्लोजअप से देखते हैं इस ब्रांच की लंबाई। फर्टिलाइज़र देने से पहले ये प्लांट यहाँ तक ही था, इसकी ग्रोथ, ये जो नई ग्रोथ हुई है ये फर्टिलाइज़र देने के बाद हुई है। तो हमारा बनाना पील प्लस फर्टिलाइज़र पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है। So friends, that's it for today. I'll be back with some more informative videos. Till then, bye bye.